2 अप्रैल 2021 को ब्रजेश सिंह पुत्र स्वर्गीय गुप्तेश्वर सिंह निवासी नारायणपुर थाना गुलहरिया गोरखपुर की बदमाशों द्वारा गोली मारकर जगन हत्या कर दी गई थी। घटना में शामिल मुख्य अभियुक्त बहादुर चौहान पुत्र सरजू चौहान निवासी जंगल औराही टोला गजराज थाना पिपराइज गोरखपुर उम्र 32 वर्ष सहित सभी अभियुक्त गण के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी और सभी वर्तमान समय में जिला कारागार गोरखपुर में न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध हैं। जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए घटना में शामिल मुख्य अभियुक्त बहादुर चौहान पुत्र सरजू चौहान निवासी जंगल औराही टोला गजराज थाना पिपराइज गोरखपुर के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत एनएसए की कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को तामील कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा ये हत्याकांड में प्रमुख अभियुक्त बहादुर चौहान के ऊपर एनएसए की कार्रवाई की गई है। विधिक कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है जिसमें उसके विरुद्ध तामीला कराया जाएगा एनएसए का और उसका अनुमोदन माननीय न्यायालय से लिया जाएगा।